कैसे हैं सब जी? ओके बज्जी। 1 2 3 गो। बच्ची आप क्लासिकल कथक भी कर लेते हैं? एक्सक्यूज मी। 1 2 3 गो। और भांगड़ा भी। 1 2 3 गो। असल में ये बात सब कुछ कर लेता है। आप देख रहे हैं सुपर ओवन। हाँ तीनों हजरात, रक्स अजा की शायरी है तो मौसी की रूह की गजा, दोनों का जब मेल होता है तो आता है बड़ा मजा। बज्जी हम तो समझते थे आप पैदाशी तौर पर शायराना सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन आज आपने शेर सुनाकर हमारा दिल बाग बाग कर दिया। इंसाफ के इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा सिवाय पेट्रोल के। और मेरा मतलब सिवाय नकदी के। आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत आ रही है जिसने तमाम पाकिस्तान की टॉप हीरोइंस को अपनी उंगलियों पे नचवाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही हैज कोरियोग्राफ्ड मोर देन 3000 फिल्म्स। नॉट ओनली ही इज अ सम्राट, बट जब आप उनको देखेंगे तो कहेंगे आय हाय पप्पू। प्लीज वेलकम पप्पू सम्राट। Hi, hi. Thank you. Welcome to the show. बैठे बैठे। Thank you. बाखुदा हमें मालूम होता आज शाही सम्राट पप्पू सम्राट आ रहे हैं तो दिल्ली के कोने कोने में ये गाना गूंज रहा होता। रक्स में है सारा जहां, रक्स में है सारा जहां, धूम है ये आज यहाँ आएगा वो शाहे खूबा, आएगा वो शाहे खूबा, आएगा वो शाहे खूबा, खूबा खूबा। बादशाह सलामत, आपने तो इतना अच्छा डांस कर दिया है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आप इतना अच्छा डांस क्यों नहीं करता। मजाक कर रहे, सीरियस नहीं होना। बच्ची अदा की शायरी का तो इंतजाम हो चुका, अभी तक रूह की गजा फराहम नहीं हुई। खादिनो हजरात, हमारी अगली दो मेहमान, ऑफ कोर्स जहां हम डांस की बात करते हैं तो हम म्यूजिक को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। यस वी हैव दो मेहमान, क्यों? क्योंकि बड़ी प्रोडक्शन। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में टू ब्यूटिफुल सिंगर्स। नॉट ओनली दे कैन सिंग, दे आर ऑल्सो एजुकेटेड। प्लीज वेलकम इज्जत फातिमा एंड निमरा मेहरा। जी हूं खुश हो? वेलकम टू सुपर आवर। पप्पू भाई आपको तो पता है आजकल महंगाई का बम फटा हुआ है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या ये बम डांसर वर्ल्ड पे भी फट गया है? डांसर्स पे ज्यादा फटा हुआ है। हाय, इस तरह के लोग जो पहले डांस सीखते थे और अपने इल्म को बढ़ाकर और दुनिया पूरी में अपना आप दिखाते थे, अब के लोग जो हैं वो एक गाना सीखना चाहते हैं, बस एक गाने में ही अपने आप को टीचर बना लेते हैं। निम्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा मैंने आपको देखा जब आप टेलीविजन पे गा रही होती तो वाओ, इस तरह हंसती है कि जिवें लॉटरी निकली है। तो ये किस चीज की इतनी खुशियां चढ़ी हैं आपको? हाय नहीं, ये एक्चुअली खुशियां नहीं है,
ये बचपन से ऐसे मुस्कुराती, एक तो डिंपल्स है ना, तो उसको दिखाने के लिए हर वक्त मुस्कुराना पड़ता है, तो ये बस इन्हीं की वजह से ज्यादा होता है कि हर वक्त मुस्कुराते रहो। डिंपल असली है कि बानो बाजार से पॉइंट सर, अगर ये बानो बाजार से होते ना, अब तक आपके 2, 4, 5 इकट्ठे होते। बट आई थिंक दीज डिंपल्स लुक रियली क्यूट ऑन हर, और मैं भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ ये करवाने के लिए। फातिमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बड़ा सीरियस म्यूजिक कर रही हैं आप, आप वाकई ही सीरियस हैं मेरे बारे में? मेरा मतलब है म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक के बारे में तो सीरियस हूँ, आपके बारे में पता नहीं। थोड़ी नहीं, मगर ये इतना सीरियस म्यूजिक की तरफ रुझान कब से हुआ? जब से मैंने म्यूजिक को वाकई सीरियस लेना शुरू किया ना, कि ये एक आर्ट है, ठीक है, लोग इसको बहुत नॉन सीरियस वे से लेते हैं कि मतलब किया बिल्कुल दिल लगा कर नहीं किया, ठीक है, उसको समझा नहीं, ठीक है, बस मशहूर होने के लिए किया। पप्पू सम्राट, निमरा, इज्जत, आज हमारा शाही दरबार शादी वाला घर लग रहा है। For God's sake, Mughal-e-Azam, Mughal-e-Azam, don't you dare take out your chamuta. KB, Allah khair, ay galla na kita kar, andrun aur shardi galla. Pauji mashke karte hain, cricketers net practice karte hain, gulukar riyazat karte hain. ये सम्राट क्या करते हैं? डांस प्रैक्टिस। ओह, क्लासिकल डांस प्रैक्टिस अगर ना करें तो आपका वेट बढ़ जाता है, और दूसरा इस इल्म से दूर होने में आपको एक दिन चाहिए सिर्फ। हाँ। हाँ। एक दिन आप इससे दूर, ये आपसे एक साल दूर। ओ, 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 ओ। क्योंकि इससे अलहदा नहीं हो सकता मैं, इससे अलहदगी मैं अपने मरने के बाद करूँगा। क्या बात, क्या बात, अल्लाह ना करे। बाबू साहब, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, रसीदे हैं, अब तक कितने डांसेस करवा चुके? भाई मैंने फिल्मी एक्टरों को डांस करवाया है, हुकूमतों को नहीं, रसीदे कितने? आप ये बताएं, आप जो घर में खर्चा देते हैं, आपके पास रसीदे हैं? गाल कर तकर पहुंच गई है ना, मतलब है, हैं? मेरा मतलब है इज्जत और निमरा, मुझे बताएं, गायकी में तो आप दोनों बहुत अच्छी हैं, ये पढ़ाई में भी सुरीली हैं कि वहां बेताली? नहीं नहीं, आप पहले बताएं। नहीं, एक्चुअली मैं तो पढ़ाई में, अपनी तारीफ बंदा क्या आपने, मियां मिठू वाली बात हो जाती है, लेकिन नहीं, आप लगती भी मियां मिठू। थैंक यू। अच्छा खैर, नहीं बट ये है कि मैं स्टडी में अच्छी थी बहुत, मतलब अब तो खैर पूरी होगी ना, मेरी तो डिग्री कंप्लीट हो गई है, वो तो म्यूजिकोलॉजी कर रही है, मैं वो नहीं कर रही हूँ, तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। अच्छा। सो आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑन माय टाइम, सो मेरे टीचर्स मुझसे बहुत खुश रहा करते थे, मैं अच्छी स्टूडेंट थी, क्योंकि जहाँ फेल होती थी कहती थी आए मैं आपको गाना सुनाऊं। फेल नहीं होती थी, ये कह सकते हैं कि जहाँ थोड़ा लगता था कि यहाँ पे मास्क थोड़े कम आ जाएंगे तो वहाँ थोड़ा लगा लेते थे हम, सुरका तड़का चल जाता था। इज्जत, आप क्या करती थी? मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मेरा रुझान क्योंकि म्यूजिक की तरफ था, तो मैंने वही चीज़ सेलेक्ट की जिसमें दिल भी लगे, दिमाग भी लग जाए। दोनों लगने चाहिए भाई, दोनों लगने चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों मौसीकी के साथ साथ पढ़ाई में भी सुरीली हैं। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट थी ना। अच्छा, तो किस उम्र में डायग्नोज हुआ कि आप लोग सिंगर हैं? पहली बात तो कोई बीमारी नहीं है, अगर हो ही गया तो ये था बचपन से, मैं बहुत छोटी थी, मेरी अम्मा बहुत अच्छा गाती थी, वो भी नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन वो सिंगर नहीं थी कोई, लेकिन वो वैसे बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा। तो बस उन्हीं की तरफ से देख के मुझे लगता था मैं भी गा सकती हूँ, तो छोटी सी थी जब गाना शुरू किया, और इतनी सी थी आप? थोड़ा बड़ा कर लेते। तो बस था कि बचपन से गाना है। ओके, बचपन से ही डिसाइडेड था। बचपन से आपके साथ भी यही? अच्छा, पहले इस चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं था मुझे कि आवाज अच्छी है, जाहिर सी बात है जब लोग आपको, आपकी तारीफ करते हैं आपको अंदाजा होता है, तब छोटी थी लोगों ने कहा यार इसकी आवाज तो बहुत डिफरेंट है, ये अच्छा गाती है, इसका टोन अच्छा है, तो मुझे लगा कि अच्छा मेरा फिर रुझान उस तरफ ही हो गया, लोग कहते ठीक कहते होंगे, हालांकि बड़े कहने लोका दी गल्ला ना सुनिया, और मेरी मदर का टोन भी बहुत अच्छा था। ये पॉइंट था, ये बात भी है कि मेरी मदर का टोन बहुत अच्छा था। अच्छा। और वो भी अपने टाइम पे चाहती थी कि वो सिंगर बनती। हाँ, सिंगर बनती, उनका ख्वाब मैं पूरा कर रही हूँ। अरे क्या बात।
ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਪਤ ਅਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸੀ ਛੋੜਾ ਨਿਮਰਾ ਜੀ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਰ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਭੱਟ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਯਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਾ ਹੋਸੀ ਹਾਏ 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 ਐਸਾ ਕੌਨ ਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦਸਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਟੈਪ ਅਪ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਡਾਂਸ ਨੇ ਪਰ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਲਖੜ ਨਹੀਂ ਲਤਨ ਅਰੇ ਹਾਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਲੈ ਕੌਨ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦਸਾਂ ਮਿੱਕੀ ਪਾਪੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪੱਪੂ ਸਮਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਐ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਕੀ ਹੱਥੇ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਜੋਹਰ ਗਰਮ ਜੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟ 100% ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਛੋੜੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੋਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਚੱਗ ਨਿਕਲਾ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਛੱਡਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਹਾਂ ਲਗਾ ਦੀ ਜਾਏ ਜੀ ਡੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਹਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਆ ਬਟ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਸੋਚਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਯਸੂ ਇਹ ਪੰਜੂ ਇਹ ਹਾਰ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਡੋਲੀ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏਗੇ ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਉਸਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਬੰਦਾ ਢੋਲੀ ਚ ਦੇ ਜਾਈ ਵੀਰਵੇ ਹਮਨੇ ਬੰਦਾ ਢੋਲੀ ਮੇ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋ ਜੀ ਬਟ ਸਭ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਾਗ ਖੁੱਲੀ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਅਪਰ ਬਾਬਾ ਕਥਕ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰ ਚੰਪਾ ਕਲੀ ਇਕੱਠੇ ਦੋਏ ਆਈ ਗਏ ਅਰੇ ਵਾਹ ਤਾਲੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਖੁਦਾ ਕਥਕ ਕਲੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਦਿਲ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋ ਤੁਹਾਰਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸੇ ਦਿਲ ਉਠਾ ਹੈ ਜਬ ਇਸ ਆਈਟਮ ਕੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਦਿਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ ਓ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲੋ ਮਨੁਸੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾ ਮਾਲੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੜੇ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸੋ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਓਹੋ ਮਗਰ ਇਨਕੋ ਡੋਲੀ ਮੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਟ ਜੀ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਤਾ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲੋ ਕੋਈ ਕਹਤਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲਾ ਇਹਨੇ ਡੋਲੀ ਮੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਸਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਰੀ ਸੇ ਲੈਕਰ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਨਾਚਤੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ ਇਨਕੀ ਲੱਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਠੰਡੀ ਤਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਢੂੰਡ ਵਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਉਨਸੇ ਛੁਪ ਕੇ ਨਿਕਲਤਾ ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਢੀਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣੇ ਦੋ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਆਤਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਮੈਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਖਾਈ ਥੀ ਤੋ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਏ ਨਹੀਂ ਥੇ ਭੁੱਲਣ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਮ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਹਮੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਬਰਫੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਮੈਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਤੋ ਆਧਾ ਕਿਲੋ ਔਰ ਦੇ ਦੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਓ ਹਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਚੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋ ਵਾਹ ਤੌਤ ਪੋਲ ਲੋ ਪੋਲ ਉਧਰ ਪੋਲ ਉਸਕੇ ਪੋਲ ਪੇ ਉਸਕੇ ਪੋਲ ਪੇ ਜਿਤਨੀ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾਏ ਥੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਚਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੌਨ ਸੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹਾਂ ਹਮਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਮੌਤ ਕਾ ਖੂਦ ਧੜਾ ਕਟ ਕਿਤਨੇ ਤੜਾ ਗਨੇ ਕਿਤਨੇ ਧੜਾ ਕਟ ਕਿਤਨੇ ਤੜਾ ਗਨੇ ਮਨਾ ਦਰਗੜਾ ਨਾ ਦਰਗੜਾ ਨਾ ਦਰਗੜਾ ਪੜ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪ ਔਰ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਨਾਚੇ ਇਹ ਟਗੇ ਟਗੇ ਪੇ ਨਾਚੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨਕੇ ਸਰਹਾਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਚੇ ਹੈ ਕਹਤ ਅੱਬਾ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹਮ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇ ਨਾਚਨੇ ਗਏ ਛੱਤ ਪੇ ਅੱਛਾ ਨਾਚਤੇ 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 ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ
आगे कहीं मैयत हुई थी, हम गिरे हैं, जनाजे ने उठ के चमाटे मारी हैं मुझे। हमने ईरान के नरम कालीनों से लेकर अफगानिस्तान के संगलाख चट्टानों तक नृत्य किया है। उस्ताद होनी ऐसा नृत्य कर देने, हर बंदा इन्हें आखदा नृत्य आदमी है। वैसे आपको शर्म नहीं आई? शर्म क्यों, पेमेंट आई वहां से। क्या बात है। मगर आप अफगानिस्तान करने क्या गए थे? आप ये भी तो देखे ना, इन्होंने अफगानिस्तान जाके डांस किया है तो उसका हाल क्या हुआ है। इनको वहां से बहुत मार पड़ी। क्यों? ये अफगानिस्तान में चार जनानिस्तान ले गए थे। यार अगर अफगानिस्तान के चार जनानिस्तान ले गए ने, फिर तो इन्हों काफी मुकामस्तान बन जाना चाहिए। उन्होंने मजाक देके चित्रस्तान ला के ना दी, चित्रौलस्तान की थी, तो पागलस्तान होके वापस आके तो रोनस्तान था, इन्होंने एक रिकॉर्ड कैम कर देता। हमने तो बबूल के कांटे और शीशे की कृषियों पे, हद तक के लोगों ने शीशे तोड़ के फेंक दिए सट पे, स्टेज पे फेंक दिया। फिर मैंने साइड पे जाके डांस किया। मैं पागल हूं, अंधा नहीं हूं। लो जी पापा सम्राट जी, जी। वन लाइन सुनो जरा, तुसा की मजा चस आ जुलसी। तुसा कहने फिर सो रोल तो गए हैं पर चस बड़ी आई है। एक लड़की है जिसने वर्ल्ड कथक मुकाबले जाकर हिस्सा लेना, और डांस सीखने जो पहुंची उस्ताद उन्हें कोल, उस्तादानी मोहब्बत गिरफ्तार हो गई और उस्ताद के साथ सचमुच में बागे जना गई है और गिरफ्तार हो गई है। और गिरफ्तार वाला क्यों हुई है? क्यों? घुंगरुओं में पाउडर पा के ले गई। ओ जी तो उस्ताद उन्होंने नाल गई है, फिर किटा तरकिट किटा तरकिट किटा तरकिट किटा तरकिट दान डग नग दिल दान डग नग दिल दान डग नग दिल ता तजंबा आ। वाह 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 वाह। अच्छा जी डानस तो मैंने याद आया, ओ मुंडा एक हीरो आजकल बड़ा इन ने के नाए डानस तैमूर। ओए डानस तैमूर हमारा एक्सेंट ऐसा है ना जरा। ये भी हमारा डांसर है सम्राट साहब, इसके ऊपर फिल्म आ रही है आपकी, तो ना नाचे नागन, इसकी आ रही नाचे बांदर। ये नाचता है। अच्छा जी जी प्रोफेसर। ए सारे डांसर ने नहीं और की फाइनेंसर ने, इनको रिश्ते जा रही नहीं लगती। ओए इना दे विचो मन लग रहा है एक एक करके मैं बुलावा ताकि इना दे इंटरव्यू ले सकां। सर सम्राट साहब आपका एक एक करके इंटरव्यू लेंगे, आइए। गल सुन पापे नहीं बेटे जरा दूर हो गए, ज्यादा चौकस हो गए। इधर खलो अगे उधर। शुरली डांस, शुरली टू थ्री फोर। भाई शुरली डांस के असी ये गशी डांस नहीं करना। जाओ आप आए। सम्राट से सम्राट मिले करके लंबे स्टेप। क्लासिकल खराब ना करो, इधर और हैंगर डांस दिखाओ। हैंगर टू थ्री फोर। बस बेटे बस बस, कपड़े थक गए बेटा जाओ। तीसरी दुनिया इजाजत है, पांव छू के जाते हैं। माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, लागी पखिया। जी उस्ताद जी, पप्पू सम्राट की शक्ल तो नहीं हो तुम? आपको पता है कि मैं कैसी कैसी चीज पे डांस कर लेती हूँ? कैसी कैसी? मैं तो ट्रैक्टर की ठक ठक पे डांस कर लेती हूँ, मैं तो साइकिल की घंटी पे डांस कर लेती हूँ। हमारे घर में कोई एक डोर बेल दे तो मेरा स्टेप निकल जाता है। हमारी तो दादी जब खांसती हैं, मैं उनकी खांसी के ऊपर पे डांस कर लेती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम टली पे कैसे डांस करोगे? आप टली पे जाएं। टू थ्री फोर। बहुत तेज निकली है भाई तू तो। अरे बच्ची खबरनामे पे नाच के देखा? हाँ जी। आज शहर में दो बसें टकरा गईं और उनमें बहुत सारे लोग हंस रहे थे। अब एक और खबर है, अखबारी खबर। हाँ जी। अब उस पे करके दिखाएंगे आप? जी। वन टू थ्री फोर। कल रात एक लड़की अपने आशना के साथ भाग गई और वापस आ गई। अब आप
एक मनहूस खबर पे डांस करके दिखाएं। ओके हजरत, कल रात से पेट्रोल की कीमत में बहुत इजाफा हो गया है और अपने अपने बच्चे संभाल लो। एक छोटी सी ब्रेक डाउन देनी है, आप देख रहे हैं सुपर। दोनों ये सम्राट का जो टाइटल है, असल में ये जो वर्ड है ये है संस्कृत का। अच्छा, इसके माने हैं किंग। किंग ऑफ द डांस का टाइटल मेरे दादा आशिक हुसैन सम्राट साहब ने लिया हिंदुस्तान से, जिस वक्त बिरजू महाराज जी के वालिद वृंदादेन जी महाराज उस वक्त हयात थे। अच्छा, और वो बहुत बड़ी फैमिली है बिरजू महाराज जी की, वो बड़े लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं वो लोग। उनके होते हुए सम्राट का टाइटल लेना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा, और किंग ऑफ द डांस का टाइटल लेना तो बहुत ही मुश्किल काम था। ये उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने इल्म से, उस्तादों की खिदमत से फिर ये आपको किंग का टाइटल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आप दोनों से भी एक सवाल है कि ऑब्वियस ही बात है, अगर गाने के अंदर कभी कोई डांस सिचुएशन आ जाए तो वो डांस कैसा होना चाहिए? रोमांटिक, के पॉप या फिर ब्रेक डांस? ये डिपेंड करता है ना कि जॉनरा कौन सा है। जी निम्रा, कौन सा आपका फेवरेट जॉनरा है डांस का? डांस का तो सारे जॉनर्स अच्छे होते, इतना अच्छा आता नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सॉन्ग मैं सारे गानों पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अरे जी, आपकी परफॉर्मेंस हमने देखी है, क्या अदा है आप, क्या आपका एक्सप्रेशन है। अख लड़ी बदुबदी मौका मिले कभी कभी, हाय वाह, तो फिर हो जाए ये। छोटा पावा ज्यादा देर तोता होवे तो थलो इंज दा निकलदा है। बप्पू सम्राट साहब, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, हमें भी रक्स करने का शौक है। पूरा हिंदुस्तान सो जाता है तो हम लाल किले की फसीलों पर खड़े होकर रक्स करते हैं। हमें इस काबिल बना दीजिए हम अनारकली और दिलाराम को चैलेंज कर सकें। जो बचा था
हो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो मुझे आप समझ आइए ये किला टूटा हुआ क्यों है। सारी फसीलां दे तुसी तोड़ दितियां ने। बादशाह सलामत ने डांस सिखया कित्थों है? गुरबत कोलो। इन्हां दे घर पहले गुरबत नचदी सी, उन्हें वेख वेख के आप नचण लग पए। ओ शादी हिट नहीं होंदी अगर ये गाना ना बजे, ओ दुल्हा घोड़ी नहीं चढ़दा अगर ये गाना ना बजे, ते ओ दुल्हन दी मेहंदी नहीं जमदी अगर ये गाना ना बजे। खवातीनो हजरात, आप लोग की भरपूर तालियों में मुंडे का दुपट्टा छोड़ मेरा, कोरियोग्राफ बाय पप्पू सम्राट। आप क्यों खामोश बैठी हैं? अख लड़ी बदोबदी का कोई तो जवाब बनता है तो कुछ हो जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? खवातीन हजरात, प्लीज वेलकम इज्जत फातिमा। थक गई बाणियां पुण पुण के गल्लां इस दिल दिए सुन सुन के, सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के प्यार माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के प्यार माही किथे रह गया, साड़ी अखा विच नींदरा उड़ा के, साड़ी अखा विच नींदरा उड़ा के प्यार माही किथे रह गया। पर ये बंदा ठीक नहीं है। क्यों? उसने दोनों को नहर पे पुल पे बुलाया, मुझे भी उधर का ही टाइम दिया था। आपने शो के बाद मेरे साथ घर जाना है। क्यों? वो मेरी बीवी का फोन आया था कि इज्जत के साथ घर आ जाओ। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मेरे ढोल अरे वाह, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं सुपर आवर। पप्पू भाई, हमारी पंजाबी फिल्मों में क्या जबरदस्त हीरोइंस में कोरियोग्राफी होती है, मगर हमारे हीरोज को क्यों इग्नोर किया जाता है? असल वजह यह है कि म्यूजिक बनता ही नहीं है हीरो के लिए।
म्यूजिक हीरो के लिए बने तो वो करें ना, हीरोइन के लिए बनता है वो हीरोइन कर रही है। जब जब बनता था भाई साहब भी करते थे, मोहम्मद अली साहब भी करते थे, दूसरे आर्टिस्ट भी करते थे, तो वो म्यूजिक बंद हो गया और हीरोइन को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू हो गया और हीरो बेचारे खुडे लैंड लगे। हीरो का रोल नहीं था ना वो, लेकिन फिर भी हमारे जितने लोग हैं उन्होंने अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से निभा लिया, ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने आप को मनवाया और पूरी दुनिया तक पहुंच गए। अच्छा, हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं जो अब डायरेक्ट भी कर रहे हैं, इस तरह का शौक आपका नहीं? कर रहा हूं मैं फिल्म, एक कर रहे हैं इंशाल्लाह। अरे वाह, अरे पप्पू साहब, हम तो ये जानते हैं कि आप बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि आप बहुत बड़े मौसीकार भी हैं। तो कुछ हो जाए, बहुत खूबसूरत। पप्पू जी, हम अपने SMD सेगमेंट में दिखाएंगे वीडियोस एंड पिक्चर्स और हमारे गेस्ट से पूछेंगे कब, कहां, कैसे। पप्पू जी, इस सॉन्ग में तो साइमा गाना गा रही हैं, लेकिन जो शान धमाल डाल रहे हैं, आप ये बता सकते हैं कि वो रिदम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? शान पाकिस्तान की शान है। क्या बात किया। तो जो आप देख रहे हैं इससे 1000 times बेटर काम भी कर सकते हैं। वेरी वेल सेड। वाह वाह, असल च इस फिल्म च ना पप्पू पापे ने बदला लिया शान साहब को कि हर फिल्म च सहमा नचदी है, तुसी खलते होंदे हो, आज सहमा बैसी ते तुसा नचसो। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा पप्पू भाई, ये घुंघरू जो है ये हमायूं के पाँव में पूरे नहीं है कि आपने हाथ पे बांध दिया? शान दे भी हाथ च, हमायूं सईद दे भी हाथ च, ए दोवां दे पैरां तक के चंबल होए दी है। ए दोवें पाकिस्तान दे सोहणे लोग ने, सोहणे फुल ने, दो वड्डे आदमी है ने, दोवें खूबसूरत लोग ने, दोवें सुपरस्टार ने। ओ अच्छा, इज्जत गल्लां गल्लां च मैं भुल ना जुलां यार, जांदे अपना नंबर दे के जाई। ओ हर बंदा मैनू कहंदा इज्जत नाल गल कर, इज्जत नाल गल कर। हालांकि इज्जत दा ताडे नाल कोई लेना देना नहीं। और निमरा, मैं तुम दसा, मैं गर्म जौहर हां ते तू मैनू नरम जौहर करी छोड़े। यू डिजर्व इट एक्चुअली। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसमें तीनों मेरे फेवरेट हैं, शाहिद अफरीदी, लाला जी, ओ लाला, और खान साहब, मुझे शर्म आती है, और शान, उफ सुपरस्टार। अच्छा इधर चल क्या रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है या कोरियोग्राफी? ये एक हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका क्रिकेट पे था, जिसको शान साहब ने डायरेक्ट किया और उसमें बहुत सारे लोग थे इनके अलावा भी, उसको मैंने कोरियोग्राफ किया, ये उसी की तस्वीर है। मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ी कुछ सर्दियों में हुआ हुआ है। एक तो राहत अली खान साहब ने काला चश्मा लगाया है, तो किसी सुरीली एजेंसी के स्पाई लग रहे हैं। अच्छा मैनू पता क्या लग रहा है, लग रहा है त्रै बंदे शक कर रहे हैं, पप्पू साहब कह रहे हैं शक्ल तो लगता तुहाडा फोन मैं चुके हैं। एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। मेरी अम्मी मुझे शान कहती थी, इसीलिए परेशान रहती।
पप्पू से लेकर शान तक और लाले से लेकर राहत फतेह अली खान तक, ये तो कोई इंग्लिश माहौल लग रहा है, जबरदस्त। क्या हुआ होगा यहां पे? हाँ, इनशा जी उठो, कोई कम कुम करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। आए हाय, मुंह पे लकवा मार गया। तो दिनों रात, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन आपको तो मालूम है सुपर ओवर एंजी नहीं खत्म होता है, एंजी खत्म होता है, क्यों ना कोई थोड़ी सी पसूड़ी हो जाए। प्लीज वेलकम निम्रा एंड फातिमा, कुछ हो जाए जरूर। निम्रा एंड फातिमा, आ जाए अगलावा मजबूरी नू, आन जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हा तेरी, जावा मैं पूरी नू, आना सी यो दैया यार, बांग बांग मेरा टकराया, काला बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चूरी नू, रवा च बावा चोनू, बुला मगर सारी ता होवे, मेरे ढोल जदाई।